हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दिप्तेश और बॉली क्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुकी है अभिनेत्री स्नोवर सानिया जी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कश्मीर पर बनी शॉर्ट फिल्म स्टोन्स एंड वाउंड से की थी, जिसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का दादा साहेब फाल्के का अवार्ड भी मिल चुका है। वे काफी सारी वेब सीरीज में काम कर चुकी है, जैसे कि एमएक्स प्लेयर की मस्तराम। वे भारत से लेकर श्रीलंका, पाकिस्तान, दुबई, स्पेन और रशिया की काफी सारी टीवी एडवर्टाइजमेंट में काम कर चुकी है और हाल ही में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी फोकस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म यूआर टीवी पर उनकी वेब सीरीज पंखुड़िया उड़ी उड़ी रिलीज हुई है। तो स्नोवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉली क्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन। थैंक यू दीपेश, आई एम हैप्पी, आई एम फाइनली हियर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी ये जो वेब सीरीज है पंखुड़िया उड़ी उड़ी, वो लोगों को काफी पसंद आ रही है। उसमें जो आपकी एक्टिंग है वो भी लोगों को काफी पसंद आ रही है और इसको काफी सारे लोग देख भी रहे। शुक्रिया, बहुत खुशी हुई जान के कि इतनी सारी जो मेहनत हमने सबने मिलके की है उसके फल मीठे हैं और अच्छे हैं, थोड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं बट मीठे फल। तो सबसे पहले तो ये जो वेब सीरीज है वो कौन से विषय पे है, उसका सब्जेक्ट क्या है, स्टोरी लाइन क्या है और इस वेब सीरीज के अंदर आपका किरदार क्या है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताइए। हाय, स्नोवर सानिया वासुदेव एज आर्या। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर, प्यारी, मोटिवेशनल स्टोरी है मेरे हिसाब से। इस स्टोरी को मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकती हूँ, आपके सारे प्रश्न के उत्तर नहीं आ सकते क्योंकि ये पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में रिलीज हो रही है। तो आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ जो फर्स्ट टू एपिसोड्स में अभी तक रिलीज हुई है। ये जैसे लोग समझ रहे हैं ना, इनिशियली जैसे लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि ये रोमांस बिटवीन टू वुमेन है, दो लड़कियां, लेस्बियन, जो आजकल एलजीबीटी जो नॉर्मल कंटेंट है, ये बिल्कुल भी उस दिशा में स्टोरी नहीं जा रही। हाँ, स्टार्टिंग जो होती है, इनिशियल प्रेप जो होता है, जो फाउंडेशन होता है, वहाँ लव बहुत इम्पोर्टेंट है स्टोरी में। एलिमेंट ऑफ रिलेशनशिप, कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा इस स्टोरी में कुछ कनेक्शन नहीं है, ना लेस्बियन, ना रोमांटिक, ना फाइट, कुछ नहीं। बहुत सारे सोशल इश्यूज को टच कर रहे हैं, बहुत सारे मेंटल इश्यूज को टच किया जा रहा है इसमें। काफी गहराई है, जो मतलब सब्सटेंस कहते हैं ना, मुझे सॉरी बहुत ज्यादा साफ हिंदी नहीं है, जिस चीज को सब्सटेंशियल स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसमें पावर होता है कि आपकी सोच बदल जाए या आपकी आत्मा या दिल को कहीं पे कुछ कोई चीज छू जाती है जो रहती है हमेशा, 10 साल तक रहती है। एक मोमेंट आपकी लाइफ में जो होता है ना, अभी आप कोई भी पिक्चर, आपका फेवरेट ले लीजिए, कोई भी सीन, हम 30 हो जाए 40 हो जाए बट वो मोमेंट याद रहता है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है स्टोरी में। तो ये शुरुआत है जहाँ पे शुरुआत में दो लड़कियों की लव स्टोरी है जो अपने माँ बाप से झगड़ा करके एक दूसरे को पाना चाहते हैं और इज्जत से पाना चाहते हैं। तो कुछ डिग्रेडिंग जॉनर नहीं है, बहुत ही इज्जतदार घर से आती आर्या, पढ़े लिखे खानदान से। और पांखी जो मेरी को एक्ट्रेस है, कविता बैनर्जी, वो इतनी एलीट क्लास से नहीं आती। तो कैसे दो बैकग्राउंड कि फैमिलीज इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, इस जर्नी को, शुरुआत वहाँ से होती है। धीरे धीरे पता चलता है कि आर्या जो मैं प्ले कर रही हूँ, जो मेरा किरदार है, कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किरदार है, बहुत ही प्यारा सुंदर कैरेक्टर बनाया गया है दीपक सर ने, जिसमें इतना कुछ है कि मैं आपको इस इंटरव्यू में नहीं बता सकती हूँ। बट जब ये स्क्रिप्ट मुझे मिली थी, मैं 3 दिन तक रो रही थी, सोच के कि चलो इतना वेट किया मैंने अच्छी स्क्रिप्ट का, मैं बहुत जल्दी काम नहीं उठाती हूँ क्योंकि मैं एक्टिंग ही नहीं करती, मेरे अलग 4 करियर है। तो इस चीज पे टाइम एनर्जी डिवोट करना है तो मतलब कुछ होना, जान होनी चाहिए, सोल होनी चाहिए स्क्रिप्ट में। तो आर्या का किरदार ऐसा है जो मुझसे बहुत मिलता जुलता किरदार है। आर्या एक ऐसी इंसान है, एक ऐसी लड़की है जो बहुत जिद्दी है, नंबर 1 है एकेडमिकली, एथिकल हैकर है अपनी कंट्री की, उसको जो चाहिए वो उसको मिलता है और वो उसको पाती है और वो किसी के नहीं सुनती है। बहुत लविंग नेचर है, प्यार देना, लोगों की हेल्प करना बहुत नेचुरली आता है उसको। और ऐसी ही आत्मा और ऐसी ही इंसान है जिसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है, उसको पता चलता है कि उसको एक बैक्टीरियल डिजीज है ब्रेन में, जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती है। तो ऐसी ऐसी एक कहानी जो कंप्लीटली लव और फैमिली और रिलेशनशिप से डिवोट होकर एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चली जाती है। मतलब जब आपको पता चले, जिस इंसान को पता चले कि उसके पास अब कुछ दिन है,
तो कितने सपने होते हैं, कितनी बड़ी बड़ी लाइफ के विजन होते हैं हम सबके, और स्पेशली वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, शी इज अ बेस्ट एथिकल हैकर इन द कंट्री, शी इज ऑलरेडी लाइक एन अवार्ड विनर हैकर, शी हैज अ ग्रेट करियर, शी हैज अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप सपोर्टेड बाय अ ब्यूटिफुल पार्टनर, फैमिली इज वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ, सो समवन हु इज ऑलरेडी ऑन दैट लैडर, जो एक इंसान ऑलरेडी ऊपर ऊपर जा रहा है, सडनली उसको पता चलता है कि ये सब खत्म होने वाला है, तो कैसे वो इस चीज को एक्सेप्ट करती है, इस चीज से लड़ती है, और जो उसका इंट्यूशन होता है, जो उसकी अंदर अंदरूनी आवाज होती है, उस चीज के लिए वो लड़ती है, जैसे वो नहीं चाहती कि उसको ऑपरेशन रिस्क लिया जाए, हो सकता है वो ऑपरेशन से वो बच जाए, बट यही तो आर्या का पागलपन है कि वो बोलती नहीं, अगर जीना है एक ही साल है दो महीने, बट मैं जिंदगी को एंजॉय करके हर चीज अच्छी, मुक्ति मुक्ति से पहले मुझे सब करना है, तो यहां से स्टोरी बदलती है, धीरे धीरे हम जाते हैं और पता चलता है कहाँ कैसे उसको अलग अलग मोड़ पे उसका भाई उसकी जिंदगी में वापस आता है, सब लोग उसका ध्यान रखने आते हैं, उसके और भाई का रिलेशनशिप खराब है, मतलब ये छोटे छोटे टॉपिक्स और इश्यूज आपको दिखेंगे हर एपिसोड में, जो हर घर में होते हैं, बट बहुत खूबसूरती से और पर्सपेक्टिव जरिया नया नजरिए से इस चीज को दिखाया गया है कि भाई बहन का रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड और उसके भाई का रिलेशनशिप, माँ बाप का रिलेशनशिप, इन दोनों फैमिलीज का रिलेशनशिप कैसे सब बदल जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी जान है जो शायद बहुत दिनों तक हमारे साथ नहीं रहेगी, तो सबका ईगो टूटना, सबका प्रायोरिटी सबकी खत्म हो जाती है, सब उसको खुशी, अच्छा वातावरण, एनवायरमेंट देना, क्योंकि पावर ऑफ लव, मेरे लिए ये स्क्रिप्ट बहुत स्पेशल है, क्योंकि स्पेशल में स्पेशल इसलिए क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार हर चीज बदल सकता है, और प्यार से दुनिया खूबसूरत होती है, तो ये स्क्रिप्ट में प्यार की बहुत अलग वैल्यू है, और प्यार का ही रोमांस, लव, फ्लावर, सॉन्ग नहीं, मतलब प्यार में शक्ति होती है, तो वो शक्ति कैसे फ्लो करके उसकी उसकी आत्मा को टच करती है, वो धीरे धीरे बदलने लगती है, आर्या बदल जाती है, तो ये किरदार मेरे लिए मतलब बहुत किस्मत वाली कंसिडर करती हूँ मैं अपने आप को, हर आर्टिस्ट को अपनी लाइफ में ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिलती जहाँ उसको नवरस को टच करने को मिले, तो मुझे ये लगता है मेरे लिए स्क्रिप्ट बहुत 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 आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई, जिसमें मुझे इतने सारे इमोशंस फील करने को मिले, मतलब डेथ, डेथ इज अ वेरी वेरी फियरफुल इमोशन इन द सिस्टम, जब हर छोटी सी किसी को किसी मुसीबत होती है ना, कितना डर बैठ जाता है इतनी सी चीज का, अब आप सोचो जिस इंसान ने अपना फ्यूचर देख लिया कि इस टाइम के बाद शायद मेरा फ्यूचर नहीं है, हर दिन उस दिन से लेके उस दिन तक आखिरी दिन तक वो कैसे उस दिन को जी रही है, और उतना ही नहीं उसकी लाइफ में और ट्विस्ट आते हैं, बहुत प्लॉट ट्विस्ट है इस स्टोरी में, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस स्क्रिप्ट इज सर कि हर एपिसोड में एक प्लॉट ट्विस्ट है ना, आपको लगेगा हाँ ये हमने नहीं सोचा था, ये कैसे हो गया, मतलब ये ट्विस्ट कहाँ से हुआ, तो जब मैं वो स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ना एज अ ऑडियंस आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज लाइक मुझे मजा आ रहा है, मुझे इतना जल्दी मजा नहीं आता है, मैं बहुत लाइक आई एम अ वेरी गुड क्रिटिक, बट आई फेल नहीं मुझे इतना मजा आ रहा है, और मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ, तो दिस इज समथिंग आई एम हैप्पी दैट ऑडियंस विल बोर हो गए, ऐसा कंटेंट आ चुका है, रोमांस, लेस्बियन रोमांस बहुत बन चुका है, बट उससे आगे क्या, तो आर्या का किरदार ऐसा है कि वो शुरुआत में खूबसूरत, प्यारी, लव, रोमांस, फन सब है, बट फिर उसकी आत्मा पे, सोल पे जाता है स्क्रिप्ट, और कहाँ से उसकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, और धीरे धीरे वो अपनी लाइफ को कैसे समझती है, और उसके आसपास के लोग कैसे उसको समझना संभालना शुरू करते हैं, और वो भी बदलते हैं धीरे धीरे, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होएगा स्क्रिप्ट से, आई एम वेरी एक्साइटेड, इसीलिए थैंकफुली हमको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ रहा है, और अभी तो सिर्फ दो एपिसोड आए हैं, असली कहानी तो आई थिंक थर्ड एपिसोड के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप अपना स्क्रीन नहीं छोड़ पाएंगे, आपको देखना है कि आगे क्या हो रहा है, तो ये आर्या का किरदार थोड़ा बहुत है और स्क्रिप्ट था आपके लिए। हाँ, मैं तो चाहूंगा कि जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो लोगों को भी जाके ये वेब सीरीज यूआरटीवी पे देखनी चाहिए, तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि ये वेब सीरीज है, ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको कैसे मिला, कैसे आप इसका हिस्सा बनी, और शूटिंग के दौरान का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी जो को आर्टिस्ट है कविता बैनर्जी उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और शूटिंग के दौरान का अगर कोई किस्सा या इंसिडेंट है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते। अच्छा, तो दीपक जी आपने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए मुझे, मैं एक एक करके धीरे धीरे ऊपर जा रही हूँ, मिक्स हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन आपने मुझे पूछा स्क्रिप्ट मुझे कैसे मिली, तो दीपक सर ने मुझे एक साल पहले किसी और स्क्रिप्ट के लिए अप्रोच किया था जहां मेरा सिलेक्शन हो चुका था, बट वो स्क्रिप्ट बनी नहीं मेरे साथ, कोई और एक्ट्रेस ली गई उसके लिए,
आई थिंक सर को मैं पसंद आ चुकी थी उस वक्त उस कैरेक्टर के लिए, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो एक साल तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, फिर मुझे अचानक उनकी प्रोडक्शन ड्रीम में मुझे से फोन मैसेज आया कि ये कैरेक्टर है, हम आपको उसके टेस्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज सर को आके मिलिए और आपका ऑडिशन लीजिए. तो नॉर्मल प्रोटोकॉल जैसे होता है, ऑडिशन लिया गया, ऑडिशन के बाद 3 दिन में बोला आप सिलेक्ट हो गए और फिर रिहर्सल रीडिंग के लिए बुलाया गया और पूरी स्क्रिप्ट दी गई. तो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई, जैसे मैंने बोला कि मैं रो रही थी, मैं 2-3 दिन रो रही थी खुशी से कि इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मिलना बहुत बड़ी बात होती है करियर में. लीड स्क्रिप्ट लेना और खाली रोमांस नहीं है, खाली सैडनेस नहीं है, 7 stages ऑफ ग्रीफ होते हैं. मतलब मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, बिकॉज मैं हीलर हूँ, तो मैं मेरे लिए तो ये मतलब हॉलीवुड प्रोजेक्ट था कि आर्या में इतने सिंड्रोम्स, इतने सिम्टम्स हैं, उसको बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और उस जोन में जाने के लिए मुझे बहुत मेथड एक्टिंग का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मुझे सबकॉन्शियसली बीमार, सबकॉन्शियसली अंदर डर और खौफ रखना पड़ा पूरे टाइम सेट पर. अपना एनर्जी मुझे बहुत ड्रॉप करके रखना पड़ा. और उसका कैरेक्टर ऐसा था कि वो बहुत हाई अपलिफ्टिंग कैरेक्टर है, मतलब वो आती है तो खुशी होती है, स्क्रीन अच्छा लगता है उसको देख के. और वैसा कैरेक्टर जब सडनली एकदम जीरो लाइन लाइफ में हो जाता है, तो मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट चीज थी और चैलेंजिंग था. जो एज आर्टिस्ट हम चाहते हैं हमें चैलेंज हो ही ना, हम नहीं चाहते हैं कि वही सुंदर लड़की आ जाए, वही रोमांस हो जाए. तो एज आर्टिस्ट आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसी स्क्रिप्ट मिली है. तो मैंने सर को बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया इस चीज़ के लिए. और फिर बस जर्नी शुरू हुई, हमारी रिहर्सल हुई 1 या 2, एंड आई थिंक 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. और अलग खुशी हो रही थी कि इतना टाइम वेट किया है, मतलब मस्तराम के बाद ही मेरी नेक्स्ट वेब सीरीज कोविड में इतने टाइम बाद मैंने ली थी. बट कहते हैं ना वही सब्र का फल मीठा, वेट इज वर्थ इट. वो वर्थ इट वेट स्क्रिप्ट में मुझे महसूस हुआ कि स्नोवर कोई बात नहीं, 8 महीने काम नहीं किया, बट तुमने 8 साल के जितना कैरेक्टर तुम्हें मिल गया है, तुम्हें हर स्टेज का परफॉर्मेंस देने का मौका मिला जाएगा, तो जान डाल दो उसमें. मैंने एनर्जी, आत्मा, खाना पीना सब इस कैरेक्टर में, 2 महीने में इस कैरेक्टर में रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था. तो ये है आपका पहला सवाल कि मुझे कैसे मिला. ये है आर्या. फिर आपने क्या पूछा? फिर दूसरा सवाल मेरा ये था कि आपकी जो को आर्टिस्ट है कविता बैनर्जी, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? डायरेक्टर सर दीपक सर जी है, उनके साथ काम करने का और क्रू के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक है, तो पहले कविता जी की बात करते हैं. कविता इज हम लोग बहुत ही अलग पर्सनैलिटीज है, एकदम अलग दिखने में, बात करने में, सोच में. तो प्रोफेशनली बहुत सपोर्टिव थी वो. मुझे पता नहीं हम जाए, हाँ आई थिंक हम लोग उम्र में सेम हैं, बट उनको सब दीदी बुला रहे थे वहाँ सेट पर. एक और हमारी कास्ट में लड़की है और मैंने उनको दीदी बोलना शुरू कर दिया था. तो प्रोफेशनली आई थिंक आई वॉज हैप्पी, आई वॉज शेयरिंग द स्पेस विद कविता. शी इज अ वेरी स्वीट सोल एंड अपने में ही रहती है, बहुत कॉमेडी करती है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा उनको, ना किसी में घुसती है. अपनी मतलब अलग सोच है, अलग जरिए से आई है वो भी किसी तरह से, तो इतनी पर्सनल बॉन्डिंग नहीं हो पाई हमारी कभी भी सेट पर. एक तो मैं बहुत किरदार में घुस जाती हूँ, तो मैं जब आर्या में थी तो मैं स्नोवर भूल गई थी, तो मैं एज अ स्नोवर इंटरेक्ट नहीं कर रही थी, उनको पाखी की तरह ही देख रही थी. बट हमारा एक किस्सा है कि हम लोग फर्स्ट टाइम नहीं मिले थे. जब हम लोग फर्स्ट दिन रीडिंग पे आए थे तो मैंने नहीं उनको नहीं पहचाना था, बट उन्हें मैं 6 महीने पहले मिली थी. एक क्लब में कोई इवेंट था किसी दोस्त के साथ, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका था, उनका आई थिंक बहुत क्लोज फ्रेंड भी है. तो वो थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग और डिफिकल्ट हो गया था कि पर्सनल स्पेस है, ऐसा नहीं कि मैं इनको नहीं जानती हूँ, अब मैं इनको जानती हूँ और यहाँ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है. तो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट मेरे लिए इनिशियली था. मैं सोच रही थी मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इंटीमेट सीन है, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है. बट स्क्रिप्ट के लिए मैंने बहुत कुछ सहा है सर, बहुत कुछ सहा है, शायद दिखे, आई होप लोगों को दिखे हो जितना मैंने सहा है. और फिर हमारी बॉन्डिंग हो गई. आई थिंक हम लोगों ने रिकग्नाइज किया कि जो होता है कुछ रीजन होता है. मैं यूनिवर्स में बिलीव करती हूँ कि एक रीजन था कि हम लोग 6 महीने पहले एक दिन मिले, हमारी थोड़ी बॉन्डिंग हुई, एक दूसरे को बहुत अच्छी वाइब्स मिली और अच्छी मेमोरी रह गई थी. कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि मैं इनके साथ इनकी गर्लफ्रेंड बनकर स्क्रीन पे इंटीमेट सीन करूंगी. तो उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरा, मुझे अच्छा लगता था. मैं छोटी बच्ची, आर्या का जोन भी ऐसा था कि वो एक छोटी बच्ची हो जाती है, बन जाती है. जब उसको कुल्फी खानी है 2 बजे, तो उसको रात को 2 बजे कुल्फी खानी है. तो वैसे ही सेट पे भी वो मेरा ध्यान रखती थी. और बहुत आई फील ये मेरा गुड लक था कि इस सेट पर ऑल द को एक्ट्रेसेस, एक और को एक्ट्रेस है हमारी और जो कैमियो में आती है, और कविता,
ऐसे बहुत सारे दिन थे जहाँ मेरे और दीपक सर के बीच में बहुत डिस्टेंस था. मे बी हम लोग मेंटली वेवलेंथ मैच नहीं कर पा रहे थे, तो मैं उनसे डायरेक्ट कभी कॉन्वर्सेशन नहीं कर पा रही थी. बट पांखी एंड दीपक सर हैड अ वेरी गुड केमिस्ट्री एंड कॉन्वर्सेशन. लाइक दे यूज्ड टू चिल एंड हैंग एंड आई यूज्ड टू बी लाइक आई डोंट नो, ये शायद मेरा सीन नहीं है. तो मुझे कोई डिफिकल्टी होती थी ना, कविता ने बहुत बहुत अच्छी चीजें की है मेरे सेट पर, मुझे बिना बताए वो जाके सर को कम्युनिकेट करती थी कि वो कंफर्टेबल नहीं है इस सीन से, वो आपको बोल नहीं पा रही है. तो और ये मुझ तक ये बात नहीं पहुंचती थी किसी के थ्रू, मुझे कोई और आके बताता. तो आई यूज्ड टू गो एंड हग हर एंड से दैट यू नो आई रियली अप्रिशिएट, इट्स सो स्वीट ऑफ यू टू स्पीक अप एंड स्टैंड अप फॉर मी. तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस था. इससे पहले मैंने सुना था लड़कियां दो सेट पे होती हैं तो गॉसिप, जेलसी, इश्यूज, इनसिक्योरिटीज, वो सब बिल्कुल नहीं था हमारे बीच में. और हमारा कैरेक्टर ऐसा था कि मतलब वो मेकअप में है, वो बाहर जा रही है, एंड आई एम लाइक प्लेन विदाउट मेकअप, अ सैड पर्सन इन द हाउस. सो शी टुक वेरी गुड केयर ऑफ मी. उनके साथ बहुत मजा आया काम करने में. बहुत कम दिन थे, आई थिंक टोटल 18 दिन का शूट था, बट वो खिंच गया, 3 महीने तक खिंच गया. तो बस इतना ही सफर था कि अब जो हमारे कॉमन वाले फ्रेंड्स हैं देखेंगे हमारी केमिस्ट्री, बहुत अप्रिशिएट की जा रही है हमारी केमिस्ट्री. तो वो आई थिंक वो जो ऑनेस्टी हमारे बीच में आ गई ना एज टू वुमेन, मे बी नॉट एज टू कैरेक्टर्स बट एज वुमेन, आई थिंक शी लाइक मी एंड एज अ वुमन आई लाइक्ड हर. तो वो गुड एनर्जी दिख रही है स्क्रीन पर, वो कम्फर्ट दिख रहा है, हम लोग एक्चुअली दोस्त जैसे बन गए थे. सच में ऐसे मतलब कम्फर्ट लेवल की दोस्त बन गई थी कि हमने कभी चिल नहीं किया, कभी बैठ के हमने कभी भी सेट पे 10 मिनट बैठ के भी बात करके पूछा नहीं लाइफ में क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हुआ. आई थिंक वो अच्छी बात है, जितना हम एक दूसरे में नहीं घुसे ना उतना हम लोग अपना कैरेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. तो मजा आया, बहुत सारी मेमोरीज हैं उनके साथ. और जब हमने शुरू किया था तब आई थिंक उनका फर्स्ट या सेकेंड कुछ ब्रेक था, अब तो वो टेलीविजन में बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही हैं. अब तो मैं उनको सीनियर बोलती हूँ अपनी जब मैं उनको मैसेज करती हूँ. सो दैट वॉज गुड मेमोरी एंड आई होप शी इज हैप्पी वेयर एवर शी इज. तो ये था कविता जी के साथ, अब एक्सपीरियंस दीपक सर के साथ. तो जैसा कि मैंने बोला कि दीपक सर और मेरा वेव लेंथ और डिस्टेंस और कम्युनिकेशन इतना रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं था, और मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं आई डोंट फोर्स एनीथिंग, जो मुझे दिया जा रहा है मैं हम उस काम के लिए आई हूँ, मेरा कर्मा धर्म मैं करती थी और मैं बाय करके निकल जाती थी. आई इसमें वह हैंग आउट एंड चिल, तो उनको जानने का बहुत मौका नहीं मिला. बट हाँ सीनियर हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला. उन्होंने मेरे भैया को जो टेलीविजन इंडस्ट्री में है डायरेक्ट कर चुके हैं पहले, या DOP रहे थे जब वो, आई थिंक 4-5 साल कुछ बड़े बड़े शो के साथ किए. ये हमको स्टार्टिंग में नहीं पता था, धीरे धीरे पता चला. तो वो कनेक्शन भी हम लोग बीच में मिक्स नहीं किए, जो अच्छी बात है. मतलब कुछ मेरे फेवर में कुछ नहीं था, मेरे पास सिर्फ मेरी मेहनत थी और मेरी कला थी. एंड आई थिंक एंड आई होप वो खुश थे मेरे काम से. मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर वो ही चीज़ करती है कि मुझे एंड पे जब वो मुझे बोलते थे कि स्नोवर तुम इसके लिए आईफा लेके आओगे अब, और तुम जाओगे आगे जाओगे, तुम टेंशन मत लो. कुछ दिनों मुझे बहुत डांटते थे, मैं रो रो के निकलती थी सेट पे. बट मुझे ऐसा बोला गया वो इसलिए था ताकि मैं इस जोन में रहूं. तो मैं कभी वो समझ नहीं पाई. ऐसे किस्से हुए जहां मैं रोई हूँ सेट पर, जहां पे मैं समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है. बट अगर वो परफॉर्मेंस में कुछ झलक है, उस दर्द की झलक है, तो बहुत सच का दर्द था जो मैं सह रही थी. बट आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे ये अच्छी स्टोरी दी. तो मैं आपके पर्सनल ओके तो मैं आपके पर्सनल लाइफ की बात करूं तो मैंने सुना है कि आप कश्मीर से हैं और फिर वहां से आप रशिया गए और अभी बॉलीवुड की फिल्मों में भी आप प्रोजेक्ट में भी आप काम कर रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह में. तो ये कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप ये सब आपने किया? तो थोड़ा करेक्शन है, मैं कश्मीर से श्रीनगर से हूँ, कश्मीरी पंडित रेफ्यूजी हूँ. कश्मीर से मैं पठानकोट बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की, फिर वहाँ से कुछ साल दिल्ली और फिर बॉम्बे मार्केटिंग किया. मैं बॉम्बे में रशिया नहीं गई, मैं मिलान गई थी अपनी मार्केटिंग के बाद फैशन डिजाइनिंग सीखने. मैंने पढ़ाई वहाँ की और काम वहाँ किया, फिर बॉम्बे आके मैं फैशन डिजाइनर एज अ स्टाइलिस्ट 8 साल मैंने काम किया. तो ये सब होने, जब ये सब चीज़ें चल रही थी तब मुझे मॉडलिंग के बहुत सारे ऑफर्स आए जब मैं कॉलेज में थी. आई थिंक कैडबरी से शुरुआत हुई, मेरा फर्स्ट कैंपेन कैडबरी का प्रिंट एड और कमर्शियल था. फिर ऐसे 30-40 बहुत सारे सैमसंग, एडिडास, मेनी 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 प्रिंट एड्स एंड कमर्शियल्स. और दुबई और रशिया और स्पेन के लिए मैंने एड्स किए बिकॉज मेरा लुक इंडियन नहीं था, तो मुझे बाहर काम ज़्यादा मिलता था. लेकिन जब मैं ये
अपने इस जर्नी में थी तब मुझे जब फिल्म्स के ऑफर्स और शोज के ऑफर्स तब भी बहुत आते थे. आई रिमेम्बर मेरी खुशकिस्मती थी कि यशराज से शानू शर्मा से मुझे फोन आया, उनको जाके मिली. बट उस टाइम मैं रेडी नहीं थी आई थिंक, क्योंकि मेरे खानदान में सभी एक्टर हैं, मेरे भाई, मेरे कजिन, पूरा खानदान ही थिएटर में. मुझे परमिशन नहीं थी, मुझे बोला गया था कि तुम कुछ पढ़ के आगे निकलो, ये सब मत करो. तो मैंने मान लिया था कि शायद मेरी मेरा मन यहाँ है पर मेरी किस्मत यहाँ नहीं है. बट जो यहाँ लिखा होता है वो लिखा होता है. तो जैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए, मुझे पहले मेरी साउथ फिल्म मिली संतोषा, जो मैंने 17 साल की उम्र में किया की उस टाइम, और उसको बहुत अप्रिसिएशन मिली, बहुत ऑफर्स आए. बट तब मैं फिर कॉलेज में थी और पढ़ाई कर रही थी तो उसको सीरियस नहीं लिया. और फिर आई थिंक 2-3-4 साल बाद जब काम आया और अच्छा काम आना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि अब ये लिखा हुआ है और मैंने बहुत चीज़ें अचीव कर ली हैं, बहुत सारे अवार्ड ले आई हूँ मैं पढ़ाई में, सोशल वर्क में, अब ये करके देखती हूँ घर पे कितनी मनाई होगी. और मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने कुछ एड्स किए और मुझे कुछ डांटनी पड़ी, कुछ नहीं हुआ. फिर मैंने बोला अच्छा मुझे शोज आ रहे हैं तो शोज तक भी कुछ ज्यादा इश्यूज नहीं. जब मैंने पिक्चर्स और फीचर फिल्म्स की बात छिड़ी तब तो मतलब बोला कि नहीं ये नहीं होगा. बट मैं थोड़ी जिद्दी हूँ, आर्या की तरह बहुत जिद्दी हूँ. अगर मुझे कुछ चाहिए और मैंने ढाल लिया तो मुझे चाहिए. तो मैंने वहां से अपने आप को मोल्ड करना शुरू किया कि अगर अब मैं इस चीज में घुस रही हूँ ना तो अच्छे से घुसूंगी. तो उस वक्त आई थिंक मैंने स्टाइलिंग 7 साल कर ली थी. वो सारा पैसा इकट्ठा करके मैंने एक्टिंग स्कूल्स पांडिचेरी में, थिएटर नीरज कवि सर की क्लासेस, ग्रीक थिएटर, बहुत सारे स्कूल्स कोर्सेज पढ़ाई, अच्छे से मन लगा के किया. बहुत अप्रिसिएशन मिला और बहुत बढ़ावा मिला जहाँ पे भी मैंने परफॉर्म किया अपने पिक्चर से. तो इतनी हिम्मत आ गई थी कि आर्टिस्ट हूँ. हीरोइन बनने का शौक कभी नहीं था, ऐसे डांसर बनने का कुछ शौक नहीं था. बट आर्टिस्ट जो परफॉर्मर होता है, जो अपनी जान आत्मा सोल लगा देता है उस मोमेंट में, वो मैं हूँ. तो मैं कुछ कर लूँगी आगे, इतना मुझे मिल गया था अपने आप पे भरोसा. और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई. जैसे ये कोर्सेज खत्म हुए और वापस ऑफर्स आने लगे तो स्टोन्स एंड मून्स मुझे पहली पिक्चर मिली. बहुत बहुत प्यारी स्क्रिप्ट है, देखिएगा आप कश्मीर फाइल्स की वजह से आती हूँ वो फेमस हो जाएगी. उसके लिए मुझे फर्स्ट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इंटरनेशनल मिला और दादा साहेब फाल्के का एक्नॉलेजमेंट मिला और कुछ 7 और अवार्ड्स मिले फिल्म को. तो वहाँ पे एक ऐसी जर्नी, जैसे बोलते हैं ना कि आपने आपकी पहली फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में अगर आपको अवार्ड मिल रहा है बेस्ट एक्ट्रेस, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भगवान ने कुछ सोच के ये जर्नी लिखी आपके लिए, तो अब पीछे नहीं हटना. तो आई टोल्ड माई सेल्फ हाँ स्ट्रगल है, मतलब एज अ स्टाइलिस्ट आई हैव बीन सक्सेसफुल, स्टेबल इनकम. फिर मैं टीचर बनी, मैंने वेस्टर्न मोड में 2 साल पढ़ाया, सोशल वर्कर हीलर बनी, 3 साल और ट्रैवल करी कब. तो स्टेबिलिटी और सक्सेस बहुत अच्छी तरह से जम गया था मेरा पैर. वो सब छोड़कर स्ट्रगलिंग में आना और 50 ऑडिशन देना और कभी कभी आंसर भी ना मिलना कि आप क्यों सिलेक्ट हुए, आसान बात नहीं है. बट आर्या स्नोवर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, सो आई बिलीव इन माई सेल्फ. आई थिंक इन गॉड हैज बीन वेरी काइंड टू मी दैट धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है, बट जो हो रही है अच्छी हो रही है. तो वहाँ से फिर मस्त राम में भी बहुत अप्रिसिएशन मिला. और मेरा हमेशा ये मानना है कि मुझे बहुत किस्म के किरदार करने हैं, हर किस्म का किरदार करना है. और मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि चैलेंज होएगा ना, जैसे जब मस्त राम का रोल आया, आई वॉज स्केयर्ड कि अब मैं डॉक्टर का रोल खत्म कर दिया, अच्छे से हो गया, अब इज्जत हो गई है, घर पे एक्सेप्टेंस हो गई है, अब मैं टीचर हूँ, सोशल वर्कर हूँ, अब मैं ये हुकर का रोल कैसे करूँ. आई वॉज लाइक नहीं. बट जब मैंने चमेली देखी, प्रिटी वुमन देखी, मैंने वो फिल्म देखी, बोला यार ये कितना प्यारा रोल है, मतलब ये इसका कैरेक्टर बहुत अजीब सा है, डिफिकल्ट है, बट उसकी सोल कितनी प्यारी है, उसका हार्ट कितना प्यारा है, उसकी सोच कितनी अच्छी इस लड़की की, उसकी लाइफ में सब हुआ इसलिए वो ऐसी बन गई है. तो वहां मैंने कैरेक्टर को समझना शुरू किया. स्टार्टिंग में सबको साफ सुथरा अच्छा बेस्ट एक्ट्रेस यशराज नहीं मिलती है ना, तो आई वॉज लाइक नहीं स्मॉल ब्रेक करो, एक्सपेरिमेंट करो. एंड थैंक गॉड मुझे मेरी परफॉर्मेंस के लिए जाना गया वहाँ पे भी. कोई किसी ने मुझे ऐसा सेक्स वर्कर कमेंट नहीं दिए. इनफैक्ट जितनी भी मेरी मेल ऑडियंस मुझे मैसेज कर दी, वो लोग सब मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे थे. तो वो मैंने ब्रेक किया और मैंने कॉमेडी की उसमें. फिर उसके अलावा जो मैंने साइलेंट फिल्म की फासले, उसमें वापस मैंने अपना वेरिएबल हॉरिजन खोला कि अब मैं और कुछ नया करके देखती हूँ. जब ये वेब सीरीज आई था, आई थिंक ये तो मेरे ड्रीम रोल था. लाइक मेरा हमेशा एक रोल था, वो बचपन में होता था कि मुझे एक किरदार करना है, जब कोई मर रहा हो उसको कितनी, उस पर कितनी दया आती है, लोगों को कितना प्यार आता है, मुझे ये प्यार चाहिए. आई थिंक मैंने बहुत बार यूनिवर्स से मांगा होगा ऐसी पिक्चर्स देखे हॉलीवुड की,
तो जब ये रोल मेरे पास आया ना, मुझे पता था कि ये मेरी विश पूरी हो गई है। तो अब ऐसा है कि अब फिर मैंने एक और फिल्म की, अभी शॉर्ट फिल्म क्यूपिड, जो अभी आई थिंक आई कांट रिवील द प्लेटफॉर्म व्हिच विल कम, जिसमें मैंने लेडी गॉन प्ले किया, तो अगेन अ वेरी डार्क कैरेक्टर व्हिच आई एम नॉट प्लेइंग। सो फार हर जो किरदार किया है एकदम अलग किया है, और हर किरदार में बहुत खूबसूरती दिख रही है, मतलब मुझे खुद दिख रही है कि मतलब मैं बहुत क्रिटिकल हूँ अपने काम के लिए। मैं स्टोन्स एंड मून्स अवार्ड लेने के बाद 6 महीने बाद जाके मैंने अपनी पिक्चर देखी है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, कि वो जो मैंने मेहनत की ना 4 साल थिएटर्स में पढ़ाई करके, या जर्नी एक्सपीरियंस जहाँ मैं काम नहीं कर रही, लोग मुझे पूछ रहे अच्छी दिखती है, ये है, काम क्यों नहीं कर रही, व्हाई शी नॉट लाइक वर्किंग। जो कुछ एक्ट्रेसेस आप देखेंगे बहुत काम उठा लेती है, कुछ भी काम उठाती है तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है, वो मेरे साथ हुआ नहीं या शायद मैंने होने नहीं दिया। बट आई एम ग्लैड मैंने ठहरा और हौसले से इस जर्नी को सहा है और आगे बढ़ रही हूँ। मैं समझ पा रही हूँ मैं अपने किरदार को, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ उस किरदार के साथ, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एक्टर की जब आप स्क्रीन पे आते हो, कि सामने वाले ऑडियंस आप में मिल जाए, उस मोमेंट में वो आपका दर्द समझ पाए, कितनी ऑनेस्टी चाहिए उस परफॉर्मेंस के लिए। तो वो अपने आप को समझना, कैरेक्टर को समझना, ये समझ अब आ रही है। तो आई थिंक अच्छा किया कि मैंने ऐसे कुछ काम नहीं कर लिया, ये शायद जब क्या कहते हैं उसको हिंदी ना, I don't know, what I'm trying to say is that कोई भी चीज पॉलिश रिफाइनमेंट होके नहीं आती, हीरा प्रेशर से बनता है, उसको बहुत घिसना होता है, फिर वो चमकता है। तो आई फील मेरी जर्नी, आई फील उस रास्ते पे जा रही है जहाँ थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है नॉर्मल लोगों से, बट हर परफॉर्मेंस पे मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है, और बड़े लोगों से मिल रहा है, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से मिल रहा है। तो आई थिंक आई एम इन अ गुड स्पेस, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सच प्रोजेक्ट्स आर कमिंग। जो अभी मैं प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ वो भी एकदम एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब रेंज और बैंडविड्थ जो है बहुत बहुत अलग है एक दूसरे से। तो चैलेंजिंग और अच्छा एक्सपेरिमेंट हो रहा है लाइफ में करियर वाइज। राइट, तो जैसे कि आपने बताया कि आप कश्मीर से हो, तो अभी एक फिल्म रिलीज हुई है द कश्मीर फाइल्स करके, विवेक अग्निहोत्री ने डायरेक्ट की हुई है और अनुपम खेर जी ने उसके अंदर अपना एक्टिंग किया हुआ है, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? लोग बोल रहे हैं कि इस फिल्म ने कश्मीर की हकीकत को बयां किया है और काफी सारे सेलिब्रिटीज भी इस फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं। जी, तो मैंने ये फिल्म खुद देखी नहीं अभी फिलहाल, इस वक्त इस वीक तो मैं काफी बिजी रही हूँ, मेरी कोशिश है कि मैं संडे को जाके देखूं। एज ए कश्मीरी पंडित मैं बोलना चाहूंगी, मुझे बहुत खुशी है कि एक पिक्चर ऐसी आई जो सच में बयां कर रही है कि हम लोग के साथ क्या गुजरा। मतलब मैं 1 साल के थी, मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं घर पे अकेली थी मम्मी के साथ, और उनको 10 बजे चिट्ठी डाली गई थी कि आप अगर रात को एडुकेट नहीं करेंगे तो या आपको रेप हो जाएगा या आपका सामान ले लेंगे। तो 1 साल की बच्ची को मेरी मम्मी ने मुझे ऐसी, हमारी नानी हमें बताती है कि एक तरफ से मुझे पकड़ा था और एक तरफ से दूध की बॉटल पकड़ी थी, बस कुछ सोना पैसा घर कपड़े वपड़े कुछ नहीं, सिर्फ इतना कि इसको दूध, बच्चे को दूध मिल जाए। और आधी रात में बिना मेरे पापा को बताए हमको वेकेट करना पड़ा अपना घर, और हम जब सुबह उठे तो हम एक बस में थे, छुपे हुए थे क्योंकि लोग ढूंढ रहे थे हमको, और सब रो रहे थे, सब औरतें रो रही थी, मम्मी रो रही थी कि हम एक दूसरे को मोबाइल फोन नहीं होते थे उस टाइम, कैसे नेटवर्क से कम्युनिकेट करें। तो अब इस ट्रॉमा से गुजरना, मतलब हम लोग बहुत अच्छे रईस खानदान के लोग थे, सडनली हमारी प्रॉपर्टीज खत्म, एजुकेशन खत्म, सोना जो भी सेविंग्स थी इतने टाइम तक नहीं मिली हमको, तो बहुत डिफिकल्ट था। हमारे रिलेटिव्स जो नहीं हमारे साथ आ पाए, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट में हमारी प्रॉपर्टीज चली गई, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था एज अ कश्मीरी पंडित मेरे लिए। तो मतलब फिर भी आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट माई फैमिली डिडंट लेट अस फील सो बैड, बट आई नो दैट देर वर टाइम्स जब हमारे पास खाना नहीं था, सोने के लिए जगह नहीं थी, कार्डबोर्ड पे सोते थे हम लोग, कहाँ आपके पास एक बंगला है और वहां से आप अगले दिन जमीन पर, कैसा आप महसूस भी नहीं कर सकते कितना दर्द हुआ था जब रिफ्यूजीज सडनली 43 डिग्री क्लाइमेट में दिल्ली या जम्मू में आ गए, जिन्होंने 20 डिग्री के ऊपर कभी क्लाइमेट नहीं देखा, तो कितना लोगों को ब्रेन हैमरेज हो रहे थे, ब्लीडिंग हो रही थी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, डिप्रेशन, तो डिप्रेशन एंजाइटी तो हर कश्मीरी पंडित की लाइफ में घुस गया था, बिकॉज क्या करते। तो अब ये सब हम सुन सुन के बड़े हुए हैं, हमारी लाइफ का साइकोलॉजी बदल गया था, मतलब फियर बेस्ड बेसिक सर्वाइवल हो गया था। मतलब मेरी मम्मी 10 ट्यूशन करती थी, पापा कश्मीर में अलग काम करते थे, एक दूसरे के साथ कभी रह नहीं पाए,
कितना ट्रेजेडी हुआ ना एज अ फैमिली एज अ होल. आई कुड नेवर बी विद माय फैमिली. आई एम स्टिल ग्रेटफुल दैट आई गॉट इनफ एजुकेशन एंड सपोर्ट इन माय लाइफ. बट बहुत सारे लोग हैं जिनको उतना भी नहीं मिला. किसी भी फीचर फिल्म में सो फार ये दर्शाया नहीं गया इतनी खूबी से इतनी सच्चाई से जितना इस पिक्चर में मैं सुन रही हुआ है. क्योंकि अनुपम खेर खुद एक कश्मीरी पंडित है. उनके खानदान के बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ अपने साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. तो वन ऑन वन इन्फॉर्मेशन जो होता है ना वो हमेशा बेटर है. बाकी जो पिक्चर्स हैं आई थिंक उन्होंने मुद्दा लाइक विधु विनोद चोपड़ा जी ने भी बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी बट उसकी तारीफ इस जोन में नहीं आई क्योंकि आई थिंक कमर्शियल हो गया था. इन्होंने जो काम किया है मैं वेट कर रही हूँ देखने का. बहुत हिम्मत चाहिए जाके देखने का क्योंकि यू विल हैव टू रीलिव दैट ट्रॉमा. इट्स गोना बी अ पेनफुल टाइम ऑडियंस के लिए. तो चलो एक स्टोरी है ना. हम कश्मीरी पंडित जाएंगे तो बहुत ऐसे बहुत सारे इश्यूज लेके जाना पड़ेगा हमको क्योंकि वो सब कुछ सामने आने वाला है वापस. तो एक्साइटेड टू वॉच दिस. वेरी हैप्पी सो ग्लैड कि एक पिक्चर तो आई जिसमें सच्चाई पता चली. लोगों को पता चला कि पंडितों के साथ हुआ क्या है. मतलब आसान एक तो होता है कि किसी के साथ बहुत बुरा हुआ तकलीफ में है ट्रेजेडी बट रातों रात आपकी जिंदगी बदलना और आप क्वेश्चन कर रहे हो कि हमने ऐसा क्या गलत किया लाइफ में कि हमसे सब कुछ छीन लिया गया और उसका कोई जवाब नहीं आना. थैंक्स टू मोदी जी फाइनली इस आर्टिकल के बाद हम लोग जाके प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं अपनी. पर 30 साल जिस जगह से आप हैं जहाँ आपने जन्म लिया है जहाँ का क्लाइमेट मौसम में के लिए आप बने हो. हम पहाड़ी लोग हैं. जैसे बॉम्बे में 35 डिग्री होता है मेरी तबीयत खराब शुरू हो जाती है. तो इतने चैलेंजेस जो हमने सहे हैं. और अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे आप कश्मीरी पंडितों को मिलेंगे ना आपको किसी की लाइफ को देख के ऐसा नहीं लगेगा कि इस लाइफ में ट्रेजेडी हुई है. कश्मीरी पंडित्स वर नोन एजुकेशन ड्रिवन पीपल. ऑल ऑफ देम आर सीईओस प्रेसिडेंट्स एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट पोस्ट अराउंड द ग्लोब. उनकी एजुकेशन ने उनके संस्कारों ने उनको खड़ा रखा जहाँ पे भी रखा. तो ये पता नहीं इस मूवी में ये दर्शाया गया है कि नहीं बट आई एम श्योर कि दुनिया भर के कश्मीरी पंडित जब ये पिक्चर देख रहे हैं तो उनको खुशी होगी कि एटलीस्ट सच्चाई सामने तो आई. लोगों को पता तो चला कि हम लोगों ने क्या क्या सहा है किस हालातों से हम गुजरे हैं. स्नोवर सानिया वासुदेव टुडे इज अ सक्सेसफुल पर्सन गुड एक्ट्रेस ब्लैडर. बट किसी को नहीं पता है कि स्नोवर सानिया के बचपन के 20 साल कैसे गुजरे हैं. माँ बाप के बिना गुजरे हैं सपोर्ट सिस्टम के बिना गुजरे हैं ट्रॉमा में गुजरे हैं क्योंकि इनिशियल सर्वाइवल तो बेसिक था ना. खाना छत खाना और एक लग्जरीज तो हमने लाइफ में देखी नहीं. कंफर्ट मैंने बिल्कुल नहीं देखा लाइफ में. कॉन्स्टेंट स्ट्रगल रहा है कि कैसे निकले यहाँ से अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व करें. और जब तक मैं बड़ी हुई आई थिंक मैंने 14 या 15 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था. Because I wanted that independence, I wanted to feel that freedom, and I had very inspiring mother who was a teacher, and she used to work 16 hours a day as a teacher at home taking tuition so she could support my dreams. So just happy and all the best to Anupam Kher for the future reviews, and I'm sure he'll do something great. He's already given us a great film. बहुत time बाद ऐसी picture आई है जिससे revolution आया है. तो ये अभी तक मेरा फीडबैक है जब तक मैंने पिक्चर नहीं देखी है. आई एम श्योर पिक्चर देखने के बाद मेरे पास कुछ और इनपुट होगा इसके लिए. सही बात है. तो स्नोवर जी मैं चाहूंगा कि जब भी आप ये मूवी देखें तो मेरे साथ बैठ के आप रिव्यू करेंगे. ठीक है. तो स्नोवर जी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर मेरे साथ बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े. और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ती रहे नए नए प्रोजेक्ट करती रहे नई नई फिल्में करती रहे और मेरे साथ लाइव चैट सेशन में जुड़ती रहे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. हैव अ गुड इवनिंग. बाय.